ये है जिमिकंद। ओके, इसको इंग्लिश में यम भी कहते हैं। हाँ, और ये बहुत सख्त होता है, तो इसको काटने से पहले अपने अपने ग्लव्स पहन लीजिए। अगर आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो आपके खुजली की प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, ओके। और घरों में ज्यादातर ग्लव्स वगैरह नहीं यूज करते, तो आप कपड़ा यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ऊपर रख के काट लीजिए। एक बार बताइए काट के जरा। तो इचिंग से बचने के लिए आपको ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, और अगर आपके पास ग्लव्स की नहीं है तो आपको इसमें अपने हाथों पे नारियल का तेल, नारियल का तेल लगा के हाथों में आपको उसको कटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको जमीकन जितना बाहर से सख्त होता है उतना ही अंदर से ये मुलायम होता है। इसको मैं अभी आपको दबा के दिखाता हूँ कि ये कितना अंदर से सॉफ्ट होता है। आप अगर चाहें तो इसको दबा के देख भी सकते हैं। ये सबसे पहले हम डालेंगे गरम मसाले होल। ओके, इसमें रेड चिली, बे लीफ, स्टार एनी सीड, ग्रीन कार्डमम, ब्लैक कार्डमम, होल कोरिएंडर, लौंग, क्लोव और शाही जीरा। अच्छा, किन कार्डमम, किचन किंग, नटमेग पाउडर, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, स्लाइस ऑनियन, गार्लिक, सॉल्ट, जिंजर, घी, कैशनट फ्राइड ऑनियन, ग्रीन चिली और कोरिएंडर स्टेम। अच्छा, ये जो कैशनट है और ये जो है ब्राउन ऑनियन है, शायद इसको हमको पेस्ट बनाना पड़ेगा ना। तो बेसिकली इसका पेस्ट बना के हमको रखना है बेसिकली। ओके ओके ओके। और जो हमने ये जमीकन काटा था इसको पानी के अंदर रखना है ना। अगर पानी में रखेंगे तो इसका कलर डिस्कार्ड नहीं होगा, राइट? राइट। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं आप बनाना। तो आपने यहाँ पे तंदूर ही ले लिया बनाने के लिए, आपने यहाँ पे रेंज का यूज नहीं किया है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे घी डाल दिया है। ये घी डल गया है और बेसिकली हमको यहाँ पे स्लो कुकिंग करनी है, तो तंदूर इसलिए यूज किया गया है। सारे खड़े मसाले और थोड़ा सा क्रैकलिंग होने देंगे इसको, बस हल्का सा क्रैकलिंग हुआ ये, उसके बाद में इसको बाकी चीजें हमको डालनी पड़ेंगी। मसाले क्रैक्स हो गए हैं और ये ऑनियन चला गया है। तो ये ऑनियन को ब्राउन करना है कि पूरा लाइटली ब्राउन उनको करना है। अब ये लगभग प्याज हमारा हो गया है, लाइटली ब्राउन हो गया है यहाँ पे, और हम इसमें अंदर अब डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मतलब खुशबू आने तक इसको यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर हमने यहाँ पे डाल दिया है। टर्मरिक पाउडर, किचन किंग मसाला, सॉल्ट। मसाले को यहाँ पे थोड़ा सा भूनना है। हमने जो पेस्ट और ऑनियन का पेस्ट उसे बनाया था उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। उस पेस्ट को थोड़ा सा पकाया, उसके बाद में ये बिल्कुल तेल छोड़ दिया है। उसके बाद में हमने जो काटे हुए थे यम वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, पानी में भीगे हुए यम थे तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं। अब हमारी कुकिंग चलेगी कम से कम कितने घंटे चलेगी शेफ? एक घंटा मिनिमम, एक डेढ़ घंटा यहाँ पे लग जाएगा कुकिंग में। और ये जो जिंजर था, ये होल जिंजर भी यहाँ पे जाएगा, इसका एक अलग फ्लेवर आता है। ये गार्लिक चला गया होल, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमने डाला है और होल भी डाला है यहाँ पे। और ये है धनिए की डंठलें, बहुत ही यूनिक टेस्ट लेके आते हैं इसके साथ। और ये रही ग्रीन चिली, 10-12 ग्रीन चिली है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और स्लो कुकिंग पे चलने देंगे। जमीकंद
एक ऐसा टेक्चर होता है कि देखिए धीरे धीरे पकाते पकाते वो अपना स्टार्च छोड़ता चला जाता है और धीरे धीरे घुलता चला जाता है, वो इस तरह से घुलता चला जाएगा। बिल्कुल ड्राई हो गया है और इसको बनने में लगभग 1.5 घंटा लग गया है शेफ। पिसने के बाद में बिल्कुल ये डो की तरह हो जाएगा, उसके बाद में हम इसकी चपटी चपटी टिक्कियां बना लेंगे और उसको आगे के प्रोसेस के लिए हम लेके जाएंगे। पकाने के और इसको सेकने की जगह जा रहे हैं मनोज शेफ, आप ये क्या डाल रहे हो यहाँ पे? अच्छा देसी घी यहाँ पे डाला है, तेल से काम नहीं चलेगा शेफ यहाँ पे? नहीं। अच्छा मतलब घी से एक अच्छा फ्लेवर आता है, हमने कुकिंग में भी घी यूज किया था और इसकी जब हम इसको ग्रिल कर रहे हैं उसमें भी हम कर रहे हैं, तो बेसिकली हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा दिख रही है, मतलब इसमें डूबना हल्का डूबना चाहिए हो, राइट? जी सर। ओके, तो यहाँ नॉन स्टिक में ही लेना है या तवे पे भी हम इसको कर सकते हैं? तवे पे भी कर सकते हैं। बेसिकली इसको हमको बहुत ही धीमी आंच पे करना है ना, वरना ये इसकी बहुत जल्दी इस पे परत आ जाएगी। ये देखिए बिल्कुल धीमी आंच पे शैलो फ्राई हो रहा है, घी की क्वांटिटी इतनी है कि वो आधी डूब गई है और आधी खुली हवा में है। ओके ओके, और टेम्परेचर भी